हाई लर्नर्स वेलकम टू माई चैनल सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्स एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजडी एरिस्टोटल के पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल ने ट्रेजडी के सिक्स एलिमेंट्स को डिस्कस किया है जो है प्लॉट मिथोस करैक्टर इथोस थॉट डायोनिया लैंग्वेज लैक्सिस म्यूजिक मेलोपिया स्पेक्टल ऑप्सिस प्लॉट एंड करैक्टर ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड माई प्रीवियस वीडियो सो यू कैन वॉच लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉट डायोनिया एंड द लैंग्वेज लेक्सिस. सो लेट्स गेट स्टार्ट डायोनिया वो थाट्स जो करैक्टर को चॉइस करने में हेल्प करते हैं फॉर एग्जाम्पल करैक्टर को कोई डिसीजन लेना है उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं और उन क्वेश्चनिंग से वो एक डिसीजन लेता है जो कि मोरालिटी पर बेस्ड होता है वो डायोनिया होता है हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं द जनरल मैक्सिम्स दैट अ करेक्टर कोर्स इन स्पोर्ट ऑफ हिज डिसीजन आर ऑल्सो कोल्ड डायोनिया एक तरह से माइंड में डिबेट चल रही होती है और ये डिबेट मॉरल और फिलोसफिकल परस्पेक्टिव से होती है सो so, एरिस्टोटल ने कहा कि डायोनिया ट्रेजडी का असेंशियल एलिमेंट है सो so, एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स में थॉट्स के बारे में कम डिस्कस किया उन्होंने करेक्टर के स्पीच के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है क्योंकि जो करैक्टर बोलता है उससे करैक्टर के विचारों का पता चलता है और करैक्टर का स्पीच प्ले राइट के आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है करैक्टर जो बोल रहा है उसका ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन जाता है इसलिए एरिस्टोटल ने पोइटिक्स में करैक्टर के स्पीच के बारे में डिस्कस किया है लेट्स डिस्कस फोर्थ एलिमेंट ऑफ ट्रेजडी दैट इज लेक्सिस लैंग्वेज एरिस्टोटल के पॉलिटिक्स में एंड एंडमेलोपिया के बारे में बहुत कम बताया गया है जिससे ये इंप्रेशन जाता है कि ग्रीक थिएटर में इनकी कम वैल्यू है बट फैक्ट ये है कि इनका फंक्शन क्लियर है इसलिए एरिस्टोटल ने उनके एनालिसिस में से इनको स्किप कर दिया था थिएटर में लैंग्वेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया फर्स्ट इज़ स्पोकन वर्ड सेकेंड वन इज संग संग वर्ड स्पोकन वर्ड्स जो नेचुरल कन्वर्सेशन होती है वो स्पोकन वर्ड्स हैं जो कि इंसेंट थिएटर में ज़्यादा यूज नहीं होते थे संग वर्ड मीन्स सॉन्ग एनसियन टाइम में थ्योरिस्ट स्पोकन वर्ड और संग वर्ड के डिफरेंस में ज़्यादा फोकस नहीं करते थे बल्कि उनके लिए वर्ड के लिंग्विस्टिक कंटेंट और म्यूजिकल कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे साउंड दो तरह से मीनिंग जनरेट करता था बाई लैंग्वेज बाई म्यूजिक थिएटर में लैंग्वेज को इंटोनेशन पिच वेरिएशन और सॉन्ग के थ्रू ट्रांसफॉम किया जाता था इन तीनों को मिलाकर एनशियट एक्टर का डायलॉग तैयार किया जाता था पिच वेरिएशन हाईनेस एंड लोअरनेस ऑफ टोन और वॉइस इज नोन एज पिच वेरिएशन बोलते समय पिच का हाई और लो होना पिच वेरिएशन है इंटोनेशन पिच में वेरिएशन कैसे होता है वो इंटोनेशन होता है इंटोनेशन डिस्क्राइब करता है कि कैसे हमारी वॉइस राइज और लो हो रही है जब हम बोलते हैं हमारी वॉइस की पिच कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है वो हमारे इमोशंस पर डिपेंड करती हैं गुस्से में हमारे पिच अलग तो खुशी में हमारी पिच अलग होती है तो इनोटेशन के पैटर्न स्पीकर्स को बताते हैं कि कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए पिच को कैसे एडजस्ट करना है तो यहाँ इनोटेशन के तीन पैटर्न्स हैं राइजिंग इनोटेशन फॉलिंग इनोटेशन पार्शल इनोटेशन जिनसे पता चलता है कि स्पीकर पिच को कैसे एडजस्ट करे अकॉर्डिंग टू तो हिज मैसेज इंटोनेशन का यूज़ स्पीकर के एटीट्यूड और इमोशंस को इंडिकेट करने के लिए और स्पीकर के एक्सप्रेशन पर फोकस करने के लिए होता है पिच वेरिएशन एंड इंटोनेशन दोनों ही म्यूज़िक और वॉइस में यूज़ होते हैं जब स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंटोनेशन रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ पिच बट जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू ए पिच एक्यूरेसी ऑफ ईदर अ म्यूजिशियन और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एरिस्टोटल ने लैंग्वेज के फंक्शनल एस्पेक्ट्स भी कंसीडर किए हैं जैसे लेटर सैलेबल्स प्ले राइट लिंग्विस्टिक स्टाइल में एरिस्टोटल ने कहा कि करंट वर्ड्स में और एक्स्ट्रा वर्ड यूज करके जो लोफ्टीनेस आती है उनमें बैलेंस होना चाहिए सो दैट्स ऑल फॉर टूडे इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस म्यूजिक मेलोपिया एंड दिक्कथ एलिमेंट ऑफ ट्रेजडी स्पेक्टल ऑप्शिस So, stay tuned for more videos. Like, subscribe, and share my channel. Bye bye.